यार हम करें जी बिस्मिल्लाह अखबार रही नैब के हालात आपके सामने ही हैं। साला साल केस चलते हैं। अब नैब ने मरीम नवाज साहिबा की बेल की कैंसलेशन की दरख्वास्त भी दी है और उस दरख्वास्त से ज़ाहिर होता है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट भी कहता था और हम भी कहते थे कि नैब मुल्क के मामला चला रहा है वो बड़ी अयां है उसकी अपनी पटिशन से, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि मरीम नवाज साहिबा की बेल कैंसिल की जाए इसलिए कि वो मुल्की मामला पर बयान देती हैं और इदारों के ख़िलाफ़ बात करती हैं। ये ज़रा नायब चेयरमैन बताएंगे कब से ये मुल्की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है, क्योंकि ना किसी इदारे ने शिकायत की है और मुल्की मामलात पर बात करना जो है वो हक आइन के अंदर महफूज है। मैं चेयरमैन नायब से गुजारिश करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, ज़रा आइन को पढ़ लें और मुल्क के कानून को पढ़ लें और इस किस्म के हरासा करने की पटिशन जो हैं ना ही दें तो बेहतर होगा। हुकूमतें बदल जाती हैं, आप आज इस हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, आप तकलीफ़ में हैं, हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि कानून या आईन से बाहर आप निकल जाएं। बात जो आज मुल्क की बात है वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। आपने कल देखा कि वफाकी काबीना जो है वो अब इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुई है। ये इस मुल्क की नहीं दुनिया की तारीख में पहला मौका है कि एक हुकूमत जब इलेक्शन हार गई तो उसने बजाय इसके कि अपनी हार को तस्लीम करे उसने मुल्क के इलेक्शन कमीशन पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसके 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बमै वोट ये हुकूमत उठाकर ले गई थी और आज तक पता नहीं लगा कि उन प्रिजाइडिंग अफसरों को कौन सा महकमा उठाकर ले गया, क्यों उठाकर ले गया। और जब सेनेट के इलेक्शन में धांधली ना हो सकी, इस मुल्क का वजीर ख़जाना जिसकी कैंपेन मुल्क के वज़ीर आज़म खुद चला रहे थे वो नाकाम हुआ, तो उसका बोझ आज हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन पर डालना चाहती है। वोट डाले हुकूमत के MNAs ने अपने ही वज़ीर ख़ज़ाना के ख़िलाफ़, क्योंकि ये MNA जब हल्के में जाते हैं तो लोग महंगाई की बात करते हैं, लोग अपनी तकलीफ की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि तुम्हारी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, तुम्हारा वज़ीर ख़ज़ाना नाकाम हो चुका है, तुम्हारा वज़ीर आज़म नाकाम हो चुका है, इसका जवाब दो। तो उन लोगों ने जब अदम एतमाद का इज़हार किया तो आज वफाकी काबीना जो है वो इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी है। ये मुल्क की तारीख का अनोखा वाक़या है, लेकिन इस हुकूमत में अनोखे वाक़ों की तादाद हर रोज़ उसमें इजाफा होता है। ये बंदसी भी है मुल्क की कि अपनी हार तस्लीम करने के बजाय और उन चोरियों का जवाब देने के बजाय जो उसने अगवा किए प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश की दसका में, हारने के बावजूद भी आज इलेक्शन कमीशन पर हुकूमत जो है वो इल्ज़ाम लगा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बड़ी साफ और बड़ी वाजे है। ये फॉरेन फंडिंग का केस है। आज हुकूमत को ये पता है
कि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस में क्या फैसला देना है। हकायक बड़े वाजे हैं, फैसला हुकूमत के खिलाफ ही आएगा। फैसला आएगा इमरान खान ने अपने अकाउंट में पैसे डाले, फैसला आएगा कि बाहर से जो पैसे आए पीटीआई के अकाउंट में उनको जाहिर नहीं किया गया, छुपाया गया। ये पैसे किसके थे ये हकीकत भी सामने आएगी। आज उस हकीकत से खायफ होकर जो कि हर फैशिस्ट इदारा, हर फैशिस्ट सोच रखने वाला शख्स यही करता है कि अपने जुर्म को छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता है, आज यही काम इमरान खान और उसका टोला कर रहा है। लेकिन ये बात चलनी नहीं है, ये उनको भी आज वाजे हो गया है। ये वही हुकूमत है जिसने सेनेट का इलेक्शन भी चोरी करने की कोशिश की, जिसने कैमरे लगाए। ये दुनिया की तारीख में पहला मौका है कि एक पार्लियामान के इदारे के अंदर कैमरे लगाकर वोट की निशानदेही करने की कोशिश की गई, किसने वोट कहाँ डाला है। आज तक कोई इसका जवाब देने वाला नहीं है। जिस शख्स की निगरानी में कैमरे लगे वो एक दफ़ा फिर धांधली के ज़रिए मुल्क के सेनेट का चेयरमैन बन चुका है, ओथ उठा चुका है। वोट 49 वोट पड़े और बड़े वाजे हैं, हदायत में लिखा हुआ है कि खाने के अंदर कहीं भी मोहर लगाएं। लेकिन इस मुल्क के सदर के नुमाइंदा, उनकी तरफ से अपॉइंट किए गए पीटीआई के एक शख्स जो पीटीआई के बेंचेस पर बैठता था, जो कानून दान है, उसको ये समझ नहीं आई कि हिदायत नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है। अब अदालतों के चक्कर लगेंगे, कल अदालतें फैसला करेंगी। तो जिस मुल्क में एक ऐसा इलेक्शन जिसके 100 वोटर हो, उसमें भी कैमरे लगते हैं, उसमें भी धांधली की कोशिश होती है, और जब वोट गिनती होते हैं तो उनमें भी चोरी होती है। ये 2018 के इलेक्शन का एक रीप्ले है, और ये रीप्ले पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये एक वाज़ेह हकीकत है, जो 2018 में हुआ आज पूरा मुल्क भुगत रहा है। जो इस सेनेट के इलेक्शन में हुआ, आज अगर मुल्क में कोई अखलाकी कदरें होती, सेनेट का चेयरमैन खुद कहता मैं इलेक्शन हार गया हूँ, मेरे 48 वोट हैं, आपके 49 वोट हैं, मैं घर जाता हूँ। ये एक तारीख रकम होती, पार्लिमानी रवायात की पासदारी होती, मुल्क की सियासी तारीख में एक बात रकम होती। लेकिन ये मौका भी इस मुल्क के सेनेट के चेयरमैन को नसीब नहीं हुआ, क्योंकि कुर्सी ज़्यादा अजीज होती है, कुर्सी पर बैठना मकसूद होता है, कीमत जो भी अदा करनी पड़े। यही बदनसीबी आज सेनेट के चेयरमैन की भी है और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की भी है। अब ये मामला ना चलने वाला है ना चल सकता है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह ये लोग एक्सपोज होंगे, ये इन्हीं अदालतों में खड़े होंगे हकीकी केसों के सामने। फॉरेन फंडिंग का जो केस है, एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। अगर इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट एक वज़ीर-ए-आज़म को तनख्वाह ना लेने पर निकाल सकता है, हुकूमत तोड़ सकता है, तो फिर फॉरेन फंडिंग में जहाँ करोड़ों रुपये आया, बताया नहीं गया, ज़ाती अकाउंट में आया, वो हुकूमत कैसे कायम रह सकती है। ये सवाल है जिसके जवाब पाकिस्तान के अवाम मांगते हैं। और हर बात जो है वो मुल्क में महंगाई से जुड़ी हुई है। जब मुल्क के हुक्मरान इस तरह के चोर होंगे, जब मुल्क के हुक्मरान दूसरे इदारों पर चढ़ दौड़ेंगे, और ये सिर्फ पहली बात नहीं है, इससे पहले कौन सा इदारा इस हुकूमत ने छोड़ा है। और मैंने कल भी कहा था कि वो वक्त दूर नहीं है कि ये अपने लाने वालों पर ही चढ़ दौड़ेंगे, ये अपने मुफाद के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जनाब भाई साहब ये बताएं कि उसका रोज मियां नवाज शरीफ साहब ने जो इस्तीफे देने का एक बात फिर बनाया, मतलब मानसा पुलिस ने क्या लगाई है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इससे हट जाती है तो क्या जो है मुस्लिम लीग की क्यादत मौलाना फजल बाग के साथ खड़ी होगी, पीडीएम को बचाएगी या फिर इस्तीफे नहीं देगी। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कोई यकीन ध्यान नहीं किसी को नहीं कराई,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वाज़े मौकफ है कि इन असम्बलियों में रहना ठीक नहीं है, इनसे इस्तीफे देने चाहिए। फैसला जो है वो पीडीएम की लीडरशिप करेगी। आज एक मीटिंग है, वहाँ भी डिस्कस होगा। हमें उम्मीद है कि एक बेहतर फैसला वहाँ से आएगा। ठीक है जी। ये महमूद रहमान कमीशन से लेकर आज तक जो होता है, कमीशनों की जो हालत है, जो इस मुल्क में हकायक की हालत है, ये उसी के साथ रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। अब ये जवाब देना होगा कि कैमरे किसने लगाए हैं। यहाँ पर भी आप जरा अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क के 3 वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कैमरे अपोजिशन ने लगाए हैं। तो मैं कहता हूँ फिर अपोजिशन में पर्चा दर्ज करो। हम कहते हैं अपोजिशन में पर्चा दर्ज करो सेनेट के हॉल में कैमरे लगाने का। हम ये पर्चा भुगतने को तैयार हैं और वहाँ पर जो हकीकत है वो भी इंशाल्लाह सामने आएगी। यही काम कर लें। जी मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने जो जैली एतमाद का वोट लिया उसके बाद जो तकरीर फरमाई है उसको ज़रा देख लें। अगर मुल्क में लीडर ऑफ द हाउस जो एक इदारे का सरबराह होता है, कौमी असम्बली का सरबराह है, उसके 6 मेंबरान पर असम्बली के अहाते के अंदर हमला होता है, उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा वहाँ पर, उसने गालियाँ निकाली अपोजिशन लीडरों को, इल्ज़ाम लगाए, हर ओछी हरकत की, हर घटिया हरकत की, कौमी असम्बली का स्पीकर बैठा रहा। ये गिल साहब को मैं नहीं जानता हूँ, उन पर स्याही पड़ी है तो नहीं पढ़नी चाहिए थी। ये मैं कभी इन चीज़ों की हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये अफराद जो हैं जो अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, उनको कोई हक नहीं है कि लोगों को जाकर गालियाँ निकालें। मैंने सुना है कि ये आदमी लोगों को गालियाँ निकालता है। जब गालियाँ निकालेंगे तो फिर कुछ तकलीफ होने का खदशा होता है, तो पुलिस साथ लेकर जाया करें। क्या होगा जी? मैं बहुत कह चुका हूँ, मुझे एक गाली देंगे इंशाल्लाह 10 दूंगा, एक हाथ उठाएंगे 10 दफा मारूंगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। शुक्रिया। वो भी देखो एक लेकिन।